एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम से, तो मैंने कहा आपके साथ मैं शाम की रूटीन भी शेयर करती हूँ कि किस तरह की हमारी शाम की रूटीन गुजरती है और क्या क्या मसरूफियात होती हैं। थोड़ा सा व्लॉग में चेंज भी हो जाएगा और आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर जो है, सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाय और थोड़ी बहुत स्नैक की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने जो है वो बाहर से मंगवाए थे पेटीज़ वगैरह पर, वो मुझे जो है ना वो थोड़े से ठंडे लग रहे थे। मैंने कहा एयर फ्रायर में इसको थोड़ा सा बेक कर लेते हैं, अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और चाय के साथ जो है वो सर्व भी कर दूंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर में पेटीज भी रख दिए थे और साथ में सिंपल से जो है वो चाय मैं बना रही हूँ। और आज जो है मैं थोड़ी सी फीकी चाय बना रही हूँ क्योंकि मामा की जो शुगर है वो थोड़े दिनों से जो है वो ज़्यादा ही आ रही है। तो मामा हालांकि इतना ख्याल रखती हैं अपना, बहुत कम चीनी वाली चीज़ें खाती हैं, तो पर मैंने कहा आज जो है वो फीकी चाय बनाती हूँ। और ये जो कैंडल मिलती है जो चाय के अंदर डाल के जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा आज मामा को बिल्कुल ही फीकी चाय पिलाऊँगी और ताकि वो थोड़ी सी ठीक हो जाएँ। और ये जो है वो डायबिटीज़ का हर किसी को आजकल मसला है, अल्लाह जल्द सबके वालदैन को जो है वो जल्दी से ठीक कर दे, क्योंकि जब वो बीमार होते हैं ना तो घर का माहौल भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। टेंस टेंस सा जो माहौल क्रिएट होता है हर जगह और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। खैर, अल्लाह जल्द सबके वालदैन को ठीक करे जो बीमार हैं। और यहाँ पे जो है वो साथ में एयर फ्रायर में हमारे पेटीज भी अच्छे से बेक हो चुके थे और यहाँ पर जो है बहुत ही क्रिस्पी हो गए थे जब मैंने इसको बेक किया ना। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मैंने लगाया था, इनफ होगा। और एयर फ्रायर का ये बहुत फ़ायदा है, अगर ये ना होता तो मैं ना जो तवे के ऊपर इसको हल्का सा हीट कर लेती हूँ तो वो थोड़ा सा ना अच्छा भी नहीं होता। जब से एयर फ्रायर आया ना, इससे बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं, बहुत क्विक सा जो है वो काम हो जाता है। अब मैं इसको उठा रही थी, इतने से सॉफ्ट हो गए थे कि मुझे ना उठाने से ऐसा लग रहा था कि ये टूट जाएगा। फिर मैंने साथ में जो है वो चिमटा लिया और उसकी मदद से इसको उठा लिया और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये क्रिस्पी से बेक हो गए थे। यहाँ पे हमारी जो चाय है वो भी रेडी हो चुकी थी। सबसे पहले जो है मैं मामा की निकाल लेती हूँ और उसमें जो कैंडल वगैरह डालनी होती है वो ऐड कर देती हूँ और बाद में अपनी हल्की सी चीनी डाल के, हमें भी बहुत ज़्यादा आदत होगी मामा के साथ हल्की चीनी पीने की और ये जो है अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है मेरी भी चाय रेडी होगी, उन लोगों की मैंने ऊपर भिजवा दी थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था क्योंकि दोपहर में हम लोग थोड़ी सी नैप लेते हैं क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, बाकी काम वगैरह अपने ख़त्म करते हैं तो दोपहर जो है वो थोड़ी सी हम रेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद शाम में जब सारे ऊपर चले जाते हैं ना, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ चाय वगैरह बनाने के बाद, आराम से चाय पी के रूम क्लीन कर लेती हूँ ताकि मुझे बाकी जो थोड़े बहुत काम करने होते हैं, डिनर रेडी करना होता है, उसमें मुझे आसानी हो जाए। सफाई टाइम पे हो जाए ना, बाकी सारा काम ऐसा लगता है कि बस हो गया है। और सफाई करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए और आज मैं बनाऊँगी बहुत ही मज़ेदार सी दाल और बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने एक छोटा सा फ्राई पैन लिया है और उसके अंदर एक प्याली जो है वो मैंने दाल ली है। आप अपने हिसाब से ले लेना जितनी आपकी फैमिली में यूज़ होती है, तो मैंने बस एक कप लिए, हमारे लिए जो है वो इनफ होगी। तो यहाँ पे जो है मैंने दाल येलो वाली ले लिया, आई डोंट नो इसको कौन सी, मूँग की दाल कहते हैं पता नहीं, यही शायद यही कहते हैं, येलो वाली दाल ले ली है और मैंने इसको जो है वो फ्राई पैन के अंदर डाल के अच्छे से हम उसको भूनेंगे। जिस तरह हम बेसन भूनते तो हल्की सी प्यारी सी खुशबू आती है ना, आपने वैसे ही इसको भूनना है, इसके अंदर से भी हल्की सी खुशबू आएगी। तो फिर आपने इसको जो है वो हटा लेना है फ्लेम से, इसको काला नहीं करना और ये बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है वो लग जाती है। और एक बोल में मैंने पानी डाल के रख लिया था और जैसे ही दाल के अंदर से हल्की सी खुशबू आने लगे तो आपने जो है वो जो पानी आपने रखा है ना बोल के अंदर, उस बोल के अंदर आपने दाल को ऐड कर देना है और 2-3 मिनट के लिए उसको सोक करके रख देना है। और जब तक वो सोक होगी और हम लोग जो है वो सेपरेट वो बना लेंगे, मसाला बना लेंगे, तड़का बना लेंगे दाल का। तो बस यहाँ पे दाल मैंने सोक करके रख दी थी और यहाँ पे बारी आती है इसके मसाले की। और यहाँ पे एक पैन रख लेंगे,
इसके अंदर ऑयल डाल दिया है और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मीडियम साइज़ की प्याज, जो कि मैंने पतली पतली स्लाइसेस कट की थी प्याज की, और मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, और हम उसको लाइट सा जो है वो ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे जो प्याज है वो लाइट ब्राउन सी हो गई है, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने जो है 1 टेबल स्पून ऐड किया था इसके अंदर। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको जो है वो सौते कर लेना, ताकि अदरक लहसुन भी अच्छे से जो है वो कुक हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 क्यूब टमाटर प्योरी मैंने ऐड कर दिया। आप जो है वो एक मीडियम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेना, वो काफ़ी होंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की प्योरी ऐड कर दी है, और उसको थोड़ा सा जो है वो हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जो प्योरी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के अंदर। और बाकी हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो जी यहाँ पे टमाटर प्योरी जो है वो अच्छे से मसाले के अंदर जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला था, क्योंकि दाल हमारी कम है तो आधा चम्मच इज इनफ, क्योंकि स्पाइसी ज़्यादा हो जाएगा वरना। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग यूज़ कर लेना। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरे धनिया का पाउडर, और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिंट पाउडर। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा जो है मसाले को भूनेंगे, और उसके बाद जो हमने दाल सोख करके रखी थी वो ऐड कर देंगे, और साथ में थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छे से गल जाए। और आज मैं लेके आई थी वाटरमेलन, बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत टेस्टी था, मीठा भी था। मैंने कहा चलो आज वाटरमेलन भी कट कर लेते हैं, और मैं फ्रीज़र में रख लूँगी, खाना खाने के बाद हम वाटरमेलन भी खा लेंगे। तो वो भी कट कर लिया, साथ में फ्रूट्स का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और मौसम के फ्रूट जो है वो ज़रूर खाने चाहिए। तो साथ में मैंने वाटरमेलन भी कट कर लिया था, और यहाँ पे हमारी जो दाल है वो भी थोड़ी सी गल गई थी, क्योंकि इस दाल को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये कुक हो जाती है, और बहुत आसान है दाल बनाना। दाल बनाने में कोई टाइम नहीं जाता, बस जल्दी जल्दी आपने इसको रेडी कर लेना है, और बहुत ही मज़ेदार सी जो है ये रेडी हो जाती है। अगर आपने कभी इस तरह से नहीं ट्राई की, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। जिस तरह हम फ्राई पैन में हल्का सा दाल को सौते करते ना, उसकी खुशबू जो है वो दाल के पकाने के बाद भी इतनी अच्छी आती है ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोगों ने अगर कभी ऐसे नहीं किया तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे मेरी जो दाल है वो थोड़ी सी गल गई थी, पर मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी और गलनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाल दूँगी, और 2-3 मिनट के लिए इसको रख देंगे, ताकि अच्छे से और गल जाए। और बाकी जो सारी चीज़ें वो हम इसके अंदर लास्ट में ऐड करेंगे। क्या करना है, इसके अंदर डालनी है कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और देन मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी 1 चम्मच देसी घी। अगर आपके पास मक्खन है वो भी ऐड कर सकते हो, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है देसी घी का। तो आपने देसी घी इसके ऊपर ऐड कर देना है मज़ेदार सा। और 3 मैंने लिए हरी मिर्चें, मैंने इसको हल्का सा जो है वो यहाँ से कट कर लिया था किनारे से, और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी धनिया, और अब आपने कर देना है फ्लेम को ऑफ, और इसके ऊपर लगा देनी है लिड, और इट्स डन। तो जी यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी जो दाल है वो रेडी हो गई थी, और दाल के साथ जो है वो पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा मैं पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर को पराठा खाना था, उसके लिए मैंने वो रेडी कर लिया। और साथ में अब उनको खाना सर्व करते हैं, मामा के लिए सिंपल सी रोटी, अपने लिए भी सिंपल सी मैंने रोटी बना ली थी, और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दाल भी रेडी हो गई थी। आप लोग इस तरह ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी।
और इस तरह से जो है वो शाम की थोड़ी सी बिजी सी रूटीन गुजरती है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो जी ये थी मेरी आज की शाम की रूटीन और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।